नमस्कार। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो विषय बुध है, क्योंकि लाल किताब में बुध एक ऐसा प्लैनेट दिया गया है जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप बुध को प्रिडिक्ट करना सीख गए तो आप मैक्सिमम कुंडली प्रिडिक्ट कर जाओगे, क्योंकि लाल किताब में बुध के रूल्स बहुत, बुध का भेद, बुध के दांत, बुध की नाली एंड बुध के कॉमन रूल्स, जिससे वो अच्छे और बुरे होते हैं। ये रूल्स तो है ही, साथ में कौन से घर में अच्छे होंगे कौन से घर में बुरे होंगे वो चीज एक अलग महत्व रखती है। और बुध किससे सिग्निफाई करता है, क्योंकि बुध के पास हम ये बोलते हैं कि बुध जिसके साथ बैठेगा उसकी प्रॉपर्टीज अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता। ये कैसे बोला जाता है कि फॉर एन एग्जाम्पल एक बच्चे को हम ले लेते हैं। एक बच्चा अगर बैड सोसाइटी में जाकर रहता है तो वो बच्चा बैड ही बने, और एक बच्चा अगर गुड सोसाइटी में जाकर रहता है तो वो बच्चा अच्छा ही रहेगा। एक सिंपल सा नियम यहाँ हम बुध के लिए लगाते। तो आज हम बुध के भेद, बुध के दांत, बुध की नाली और बुध के कॉमन रूल्स एंड बुध 12th हाउस की प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा रेगुलर प्रोसेस जो होता है कि हम पहले कुंडली पर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो वो कॉन्टिन्यूटी में जैसे हम चलते हैं वैसे ही हम बात करेंगे। सातवें घर में पारस होता, पारस पत्थर की बात की जा रही है, जिसको छूते हैं वो सोना बन जाता। तो सातवें घर का बुध बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी बुध इस घर का कारक ही है, तो बुध इस घर में अच्छा रिजल्ट ही देगा, क्योंकि बुध और शुक्र भी एक तरह का कंजंक्शन बोल सकते हैं हम, कि बुध का इफेक्ट शुक्रदेव के साथ भी मिल सकता है, क्योंकि शुक्रदेव की राशि सातवें घर में आती है। ग्रह सात को तारता, जो भी ग्रह सात बैठेगा उसे अच्छा ही रिजल्ट देगा। नाइन्थ, ट्वेल्थ, एट्थ, तीसरे और ग्यारहवें, नौवें, बारहवें, आठवें, तीसरे और ग्यारहवें घर में थूके कौड़ी बुध होता हो। अब थूके कौड़ी बुध होता हो का समझें। कोड़ी का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जिसके अंग गल रहे हों, जिसके बॉडी पार्ट्स में जैसे एक पीठ पे हो जाता है एक घाव टाइप, उसे हम कोड़ी बोलते हैं। और थूकने वाले से मतलब ये सिंपलाइज है कि वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में आ चुका है, उसे एक थूकने की बीमारी हो गई है। जैसे मान लीजिए हमें मान लीजिए किसी व्यक्ति का ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो वो व्यक्ति थूकता रहता है, तो वही सेम कंडीशन इस स्थिति में भी आ जाती है। और इसका तात्पर्य क्या है, ये है कि वो व्यक्ति के आसपास कोई नहीं जाता, वो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसकी इमेज भी ख़राब हो जाती है, वो व्यक्ति जिस हाउस में बैठे हैं ना उस पर्टिकुलर हाउस से जो रिलेटिव हमारा रिश्तेदार आता है उस रिश्तेदार को ख़त्म कर देता है। समझें, जैसे तीसरे घर में हम बुध अगर बोलते हैं तो तीसरे घर का बुध पड़ोसियों को खा जाता है, उसके पड़ोसियों की हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होती जाएगी। उससे पूछे कि आपके आस पड़ोस में कौन सा ऐसा पड़ोसी है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बता देगा। नौवें घर में भी सेम, पड़ोसियों की हालत बहुत अच्छी नहीं होती। या फिर मैं ये बोलूं कि नाइन्थ हाउस में वैसे ही बुध खराब है, थर्ड हाउस में भी बुध खराब है, इलेवेंथ हाउस में भी हम बुध खराब बोलते हैं, आपका एट्थ हाउस, एट्थ हाउस में भी बुध खराब बोलते हैं, ट्वेल्थ हाउस में भी बुध खराब है। अब यहाँ कंडीशन आती है सिर्फ इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस में हम क्या बोलते हैं कि उल्लू का पट्टा। इलेवेंथ हाउस की टैगलाइन क्या है, उल्लू का पट्टा। वो उल्लू का पट्टा हम क्यों बोलते हैं कि 34 साल तक की आयु तक ये व्यक्ति जो भी करता रहेगा ये व्यक्ति गलत ही करेगा, जिसका साथ देगा वो बिजनेस फ्लॉप, पार्टनरशिप में आएगा तो पार्टनर को तबाह कर देगा, उसका फाइनेंशियल स्थिति खराब कर देगा, उसकी लाइफ खराब कर देगा। ठीक है, नाइन्थ हाउस में ले लो तो मतलब ये अगर कोई भी कार्य पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो दूसरा पार्टनर तो खराब, पहली चीज। अष्टम भाव में बोलो, मतलब मैंने एक मेन आपको पॉइंट दे दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिश्तेदार, उसको चेक करो, उसको ये व्यक्ति ऑटोमेटिकली तबाह करता रहता है। सिंपल सा रूल समझा रहा हूं। और इलेवेंथ हाउस का मैंने ये बोला कि खराब तो करेगा नो डाउट, लेकिन 34 साल तक, 34 साल से 42 साल की उम्र तक ऐसा व्यक्ति बहुत पैसे कमाता,
इस चीज का भी ध्यान रखें। अब यहां थूकने वाला कौड़ी का मतलब यही है कि ये व्यक्ति दूसरों के लिए मंदा रिजल्ट देगा, और अपने लिए तो देगा ही देगा, लेकिन दूसरों के लिए और ज्यादा देगा। इसके साथ जो जो व्यक्ति मिलते रहेंगे या जो जो प्लैनेट्स बैठते हैं उन सबको, उन सबकी नैया ये व्यक्ति अपने हाथ से डुबाता रहे। घर पहले दसवें घूमता राजा, परिवार धन पांच देता, मतलब फिफ्थ हाउस में हो तो बहुत उत्तम। अब मैं फिफ्थ हाउस के बुध के बहुत बार बचा चुका हूं कि फिफ्थ हाउस के बुध को सरकारी नौकरी, सरकार से पैसा मिल जाता है और परिवार भी अच्छा होता है, बच्चे भी जरूर होते हैं, धन दौलत हर एक चीज से फिफ्थ हाउस बुध बहुत अच्छा कंडीशन है। पहले हाउस और टेंथ हाउस में हम बोलते हैं कि घूमता राजा ऐसा व्यक्ति को चैन ही नहीं मिलता कहीं, कुछ भी कर ले। 34 साल से पहले पहले ऐसा व्यक्ति अपनी बेस्ट कंडीशन में हो सकता है, लेकिन 34 साल के बाद तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब लगन का बुध क्या करवाता है, लगन का बुध हमारे ऊपर एक लांछन लगवाता है, और फेक लांछन लगवाता है, जो कार्य आपने करा ही नहीं उसके पीछे आपको कुछ ना कुछ ताने सुनने को मिल सकते। अब इस लिहाज से अगर मैं आपको समझाऊं कि बुध फर्स्ट हाउस में खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक चीज पूछे कि आपके ऊपर कोई फेक लांछन लगा है कि नहीं लगा। और बुध फर्स्ट वाला ना बिजनेस की तरफ, क्योंकि फर्स्ट हाउस बुध बिजनेस की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, उसका माइंड बिजनेस की तरफ रहता ही रहता, वो बिजनेस में ना अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी उसको प्रॉब्लम होती ही रहेगी। जो भी उसके पार्टनरशिप में आएगा, उसके जो क्लाइंट्स होंगे, वो वहां सेटलमेंट नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम आती है। टेंथ हाउस बुध में भी सेम प्रॉब्लम आती है, बिजनेस करेगा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो ये सिर्फ इतनी सी तीन लाइनें दी गई हैं आम 12 हालतों के लिए, जिसमें एक लाइन में चार चार घरों का समाप्त कर दिया, इसलिए 12 हालत से इस बुध के लिए कुछ नहीं होगा। इसके लिए बहुत डीप रिसर्च की जरूरत है, जो कि हम धीरे धीरे समझेंगे जब हम पूरे 12 हाउसेस कंप्लीट पढ़ेंगे। बट उसके लिए मेन चीज क्या है कि हमें बुध का भेद, बुध की नाली और बुध का दांत समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझते तो अगर आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि, जैसे मैं फॉरन एग्जाम्पल एक और चीज के बारे में समझाता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का बुध लगन में ही मान लेते, तो वो व्यक्ति मैंने बोला फेक लांछन लगाते, ठीक है, बिजनेस खराब जाएगा या मैं जो भी बोल रहा हूँ, अब ये चीज होगी नहीं होगी, और वो जरूरी तो नहीं है कि बिजनेस करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लगन में हम सूर्य बुध का योग मान लेते, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट सरकार की तरफ हो सकता है, क्योंकि बुध का एक इन्फ्लुएंस सूर्यदेव से आ रहा है, वो व्यक्ति बिजनेस करेगा तो हो सकता है फादर के अंडर करे, और वो व्यक्ति अगर हो सकता है कि प्राइवेट जॉब करे, वो चीज आपको सिग्निफाई करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें बुध के भेद, बुध की नाली, और ये पता चल जाएगा कि खराब है अच्छा है, ये बहुत जरूरी चीज है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बुध का, बुध की नाली सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हाँ जी, बुध की नाली पढ़ेंगे, फिर बुध का दांत पढ़ेंगे, फिर बुध का भेद पढ़ेंगे। तो बुध की खाली नाली क्या कहती है कि हर तीसरे घर के ग्रह यानी एक तीन कभी नहीं मिलते। फर्स्ट हाउस एंड थर्ड हाउस में आपस में कोई लिंक नहीं, क्योंकि ना ही कोई दीवार मिल रही है और ना ही कोई और चीज मिल रही है, इसलिए फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस में कोई लिंक नहीं। इसलिए कभी भी फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस नहीं मिल सकते, लेकिन बुध देव यहां खाली नाली द्वारा अपने से तीसरे घर में रिजल्ट भेज देते हैं, या फिर ये बोलूं कि अप जहां शुक्र बैठा होगा उस घर में बैड रिजल्ट भेज देते हैं, वो एक मैलिफिक रिजल्ट भेजता है। लेकिन सबसे ज्यादा किसे भेजता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है बुध की नाली का, वो है शुक्र देव। अब ये समझाऊंगा कि कुंडली में अगर हम जब समझेंगे ना, आपको दो मिनट के अंदर समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, यही सेम चीज एस्ट्रोलॉजी में है। अगर आप किसी चीज की जड़ को ठीक कर दो ना, प्रॉब्लम ठीक कर दो उस व्यक्ति की, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आप सब कुछ आपके सामने होते होते भी, उपाय देते देते भी, आपके उपाय वर्क नहीं करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं वर्क करेंगे क्योंकि आप एक स्टेप से चूक गए। तो ये बुध का नाली थी। अब पढ़ते हैं बुध के दांत। तो बुध के दांत में कुछ नहीं है, बुध के दांत में सिर्फ इतना कहा जाता है, अगर किसी व्यक्ति के मुंह में 32 दांत या 30 दांत है तो उसका बुध शुभ है। अगर किसी व्यक्ति के मुंह में 32 दांत या 30 दांत है उसका बुध शुभ है। अगर किसी व्यक्ति के बुध शुभ है, मतलब 32 या 30 दांत है, तो बृहस्पति भी शुभ, मंगल भी शुभ। ये चीज आप गांठ बांध लें इस चीज, मींस दांतों से बहुत सारी चीजें हैं, दांत खराब नहीं होने चाहिए। और लोग क्या करते हैं ना, दांत खराब हो गए लगाते नहीं है। आप दांत तो लगवाओ, आपके कितने ग्रह खराब हो रहे हैं सिर्फ एक दांत ना लगवाने से, आप सोच भी नहीं सकते। हर एक जगह से चेंज करोगे ना जब, तब जाकर उससे, उस प्लैनेट से कभी बैड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये बोलते हैं हम कि वो प्लैनेट की रेखी होगी, सब कुछ उस प्लैनेट से आपको फाइन रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे आपको प्लैनेट्स की रेमेडीज दोगे तो कभी आपको कोई भी क्लाइंट ना जिंदगी में कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ा। हर जगह से उपाय कीजिए, घर जाके कीजिए, उसके एस्ट्रोलॉजिकल वाइज कीजिए। अभी तो हम लाल किताब पामिस्ट्री बीच बीच में आपको बताते रहते हैं। लाल किताब पामिस्ट्री बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू आप, अगर आपको पता चल गया कि इस एज में होना है, इस पीरियड में होना है, ऐसे ये जीवन रेखा इतने पे आ रही है, या फिर आपकी हृदय रेखा ऐसी आ रही है, और आपकी भाग्य रेखा किस तरफ को मुड़ी, मैंने उस दिन में बताया था कि भाग्य रेखा किस तरफ को झुकाव है, जैसे बृहस्पति देव की तरफ, सूर्य देव की तरफ, शनि देव की तरफ, शुक्र देव की तरफ, बुध देव की तरफ, चंद्र देव की, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है, वो चीज चेक करना है। तो अब हम पढ़ते हैं द बेस्ट थिंग, बुध का भेद। बुध का भेद एक मतलब बेस्ट पॉइंट है मेरे लिए हिसाब से। आप कुछ भी सोचो ना, आपको बुध का भेद बेस्ट रहेगा। किसी व्यक्ति कोई प्रॉब्लम है, बुध का भेद कंपलसरी है। कोई सी व्यक्ति की कुंडली प्रेडिक्ट करनी है, बुध का भेद कंपलसरी है। किसी व्यक्ति को यह बताना है कि तू इस कैरियर में चले जा, बुध का भेद कंपलसरी। तो बुध का भेद की वैसे तो एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखी है। अगर मैं इसमें सिर्फ एक बार समझाऊंगा, आपको समझ आता है तो ठीक, पढ़ना वो मेरी वीडियो जरूर देख। क्योंकि अगर ये बुध के भेद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको समझ नहीं आया तो आपकी प्रेडिक्शंस गलत जाती रहेगी। तो हम दोबारा से बुध के भेद के लिए एक कुंडली शेयर कर देते हैं। तो जैसे कि पावर्स बुध के भेद की, आपको पता है कि सन की 9 होती है, मून की 8 होती है, शुक्र की 7 होती है, जुपिटर की 6 होती है, मार्स की आपकी 5 होती है, मरकरी की 4 होती है, सैटर्न की 3, राहु की 2 एंड केतु की 1। तो इस जन्म कुंडली के हिसाब से अब हम पहले बुध का भेद निकालते हैं कि इस इंसान की बुद्धि कैसे वर्क कर रही है, किस ग्रह के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। क्योंकि मेरा दिमाग टेक्निकल फील्ड में है, तो मैक्सिमम चांस है कि मैं टेक्निकल फील्ड में जाऊंगा। मुझे जो वर्क मेरा दिमाग कह रहा है उसी फील्ड में ऐसा इंसान जाता है, एक मेजर सी चीज है। तो मंगलदेव से शुरू करते हैं। तो 5 × 4 = 20 प्लस 4 केतुदेव का, 4 × 1। सूर्यदेव की बात करते हैं तो 9 × 5 = 45। बुध की बात करते हैं तो 4 × 5 = 20। शुक्रदेव की बात करते हैं तो 7 × 6 = 42। जुपिटर की बात करते हैं तो 6 × 6 = 36। चंद्रदेव की बात करते हैं तो 8 × 6 ये होता है हमारा 48।
उसके बाद राहु देव की बात करते हैं तो 2 × 10 = 20। उसके बाद सैटर्न की बात करते हैं तो 3 × 12 = 36। तो इन सब का हम ऐड कर लेते, सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। मार्स का नंबर है 5, 5 × 4 = 20। केतु देव का नंबर है 1, तो 4 था उसमें बैठे हैं, वन सूर्य इंटू का, फोर फोर। ओके सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव का नंबर है 9 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5th हाउस में बैठे हैं तो 45। बुध देव का नंबर है 4, 5th हाउस में बैठे हैं तो 4 × 5 = 20। उसके बाद शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव का नंबर है 7, 6th हाउस में सेवन बैठे हैं तो 42। बृहस्पति देव का नंबर है 6, 6th हाउस में ही बैठे हैं तो 36। चंद्रदेव का नंबर है 8, 6th हाउस में बैठे हैं तो 48। राहु देव 10th हाउस में बैठे हैं, नंबर है 2, तो 2 × 10 = 20। शनि देव का नंबर है 3 और 3 × 12 = 36। तो आपका टोटल आया 271। अब 271 जो आपके पास टोटल आया है, इसे आप डिवाइड कर दोगे 9 से, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। तो इनकी जन्म कुंडली में ये इनका दिमाग सूर्य देव से रिलेटेड रहेगा, सॉरी केतु देव से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि 1 पहला नंबर किसके लिए है, केतु देव के लिए। केतु तो केतु देव कहां बैठे हैं, चौथे घर में बैठे, और केतु देव क्या है, कंफ्यूजन है, कैरियर में कंफ्यूजन। ये अपनी जिंदगी में कोई भी काम करें, ये तब तक स्टेबल नहीं रह सकते किसी काम में जब तक इनका मेल चाइल्ड पैदा ना हो जाए, और मेल चाइल्ड भी वो मेल चाइल्ड जिन जिसकी किस्मत में भाग्योदय आए। अब ये भाग्योदय वाली थ्योरी समझा देता हूं। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के फर्स्ट चाइल्ड हो गया, उसके कुछ समय बाद सेकंड चाइल्ड हुआ, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय सेकंड चाइल्ड के बाद हो जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड के बाद नहीं हो। ऐसे ही सेम कंडीशन लगाए तो किसी व्यक्ति की बेटियां हो रही है, गर्ल चाइल्ड हो रही है, तो जब तक मेल चाइल्ड नहीं होगा तब तक ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय नहीं होगा, तब तक ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी फील्ड में नहीं आएगा जिस फील्ड में आकर ऐसा व्यक्ति कामयाब हो। जिसका भी निकालोगे ना, जो भी जिस फील्ड में होगा ना, उसी फील्ड में बुध का भेद आएगा। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, ये भी भगवान कराते हैं हमसे, इसलिए बुध के भेद में जो भी ग्रह है वही उसी रिलेटेड व्यक्ति काम करेगा, उससे बाहर नहीं कर सकते। अब बृहस्पति देव खराब होने के कारण प्रॉब्लम आ रही है पैसे के लिहाज से, वो कुंडली ही बताएगी, ये सिर्फ वर्क बताएगी कि आपको कौन सा काम आपके लिए बेस्ट रहे। ये काम आपके लिए बेस्ट है, ये काम से आपने लाखों भी कमाए होंगे, करोड़ों भी कमाए होंगे, या करोड़ों कमा भी सकते हो, लेकिन अपने ही कर्मों द्वारा, जो कि बृहस्पति आपका खराब है, उसी कारण आपने सारी चीजें खराब कर। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा? बिल्कुल बिल्कुल राइट है सर। तो ये बुध का भेद है, बुध का भेद जिसका जो भी आया ना, वो उससे रिलेटेड कभी बाहर काम नहीं कर सकता। सिंपल सी चीज पकड़ कर चलें तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। सर आप तो ये चीज कह रहे हो, जैसे मान लो किसी के लगन में सूर्य आ गया और हाँ जी, कंफ्यूजन, 2 से 3 ग्रह ले, फिर अपन उसको क्या बिजनेस देंगे? वो कर ही नहीं सकता, कुछ भी करा लो उसे। कर ही नहीं सकता। अब बुध का भेद निकाल लो, अगर आपको ऐसे पता चल गया कि कंफ्यूजन आ रही है लगन, जैसे लगन में कोई स्पेशली एक ग्रह है,
उसके लिए बोल। सर जैसे मान लो मैंने बुध का भेद नहीं देखा और मुझे कुंडली से ही उसको बिजनेस का बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? उसी पे ही आ रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ, एक तो लगन में हो गया, लगन में सूर्य आ गया तो सरकार, चंद्र आ गया तो पैसा, ऐसा इंसान ब्याज पे पैसा दे दे, ऐसा इंसान दूध का काम कर ले, ऐसा इंसान ये आपका डेली बेसिस का कोई भी काम कर ले मेजरली अगर मैं बात करूं, और आप बोलकर पैसा कमाने लग जाए, ऐसा इंसान जिसके मंगल होगा ऐसा इंसान या तो डॉक्टरी से पैसा कमा ले, पुलिस लाइन मिलिट्री लाइन इन चीजों से पैसा कमा ले, कब्जा लेना शुरू कर दे, गार्ड बन जाए, बॉडी गार्ड बन जाए, उससे भी ऐसा इंसान पैसे कमा सकता है। बुध हो तो स्टेशनरी आइटम्स, आपकी बैंकिंग, सीईओ, आपकी जहां भी लिखत पढ़त के काम होंगे, जहां भी इस्टेट पर कौन सी फील्ड में आता है सर? क्या जी? ये जो स्टेट वर्क होता है ना प्रॉपर्टी डीलर वाला, कमीशन एजेंट ना? हाँ जी हाँ जी सर, जैसे मेरे पास आज ऑफर आया है टीचिंग के अलावा कि मैं स्टेट में भी एक पोस्ट पे जा सकती हूँ, तो क्या मेरे लिए सही है क्या? एज अ ब्रोकर, एज अ ब्रोकर प्लस उसके साथ वर्क है बजरी वगैरह का है उनका वर्क, वो राजस्थान और हरियाणा में उनका बजरी सप्लायर का वर्क है। आपका बुध का भेद क्या आया था अभी, हमने क्या बोला था अभी? सर आपने मुझे टीचिंग लाइन ही बताया, स्टेशनरी स्टेशनरी और टीचिंग, बुध आया था ना? बुध आया था ना? हां जी। तो आपको एक तरह से रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। हां जी सर। तो आप ये काम कर सकते हो, ये बुध के रिलेटेड है। अब देखिए बहुत सारे काम है, ये ही ग्रह से इतने सारे काम सिंबलाइज नहीं कर सकते, आपको खुद समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि बुध क्या करता है, बुध ये करता है कि आपकी आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, आपकी सिग्नेचर की एक वैल्यू होगी। हाँ जी हाँ जी। उस चीज से कोई भी काम करते हो तो बुध के भेद के अंडर आ जाता। ओके अब ऐसे ये सेम चीज जो एक सर आपने इनको जैसे बोला कि इनके लिए इनका होम टाउन अगर ये जॉब करे तो उससे वो बाहर का ज्यादा सही है, तो सर इसका भी किसी को उपाय होगा भाई? चलो ये तो सक्षम है, ये कहीं और जाके शिफ्ट हो सकते हैं, बट ऐसा कोई आदमी हो जो कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकता, कोई उसके पास सोर्स नहीं है, तो उसके लिए भी सर टिपिकल कोई तो उपाय होगा कि जिससे वो वहां रह के कमा सके? वो ना अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग कर ले, चंद्र और शुक्र। वो कैसे? उपाय से। अब क्या है, मैं बाहर जाने को क्यों बोलता हूँ, इसमें मेन चीज क्या है कि मैं क्यों बोलता हूँ कि वो व्यक्ति बाहर जाए, जिनको भी बोल रहा हूँ ना मैं कि अभी आपने जिनकी कुंडली दी थी कि आपकी कुंडली में देश निकाला है, आप बाहर जाओ सेटलमेंट करो तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी, वो क्यों बोल रहे हैं? ऐसे व्यक्ति पे ना होम टाउन पे कर्ज होता है। जो भी लोग हैं ना जो ये बहुत बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं हूँ, मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, मैं बाहर जाके भी काम कैसे करूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, ये सारी चीज उन्हीं के पास होगी जिनका चंद्र और शुक्र खराब होगा, जिन्होंने कहीं ना कहीं से कर्ज उठा रखा हो। सर नहीं, मैंने देखा है मेरी फैमिली में खुद ऐसे 3 लोग हैं, और जिनकी मैंने एकदम कहे तो आज से 10 साल पहले करोड़ों की माया थी, मेरे खुद के मौसा जी है, उनका खुद का 3-3 शोरूम था हरियाणा में, बट सर वो सक्सेस नहीं था। फिर अभी लेट 2-3 साल पहले किसी ने उन्हें ये कहा कि तू एक बार अपना ये जन्मभूमि छोड़ दे तू, तो मेरे मौसा जी के सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि सर उनके जो 3-3 जो उनके शोरूम थे वो चले गए थे सर कर्ज में, लोगों ने दबा लिए थे, और अब निकले कैसे? 3 लड़कियां थी, 1 लड़का था, फिर मेरे मौसा जी ने जाके भागलपुर में एक छोटे से बिजनेस के रूप में केक बेकरी का काम शुरू किया, सर उनकी मंथली इनकम दोबारा 1.5 से 2 लाख हो गई है। बस यही समझा रहा हूँ, यानी कि वहां पे रह तो रहे वो किराए पे, यहाँ तो उनके खुद 3 मंजिला फ्लैट थे और सब कुछ बढ़िया था, पर उनको वहां से देश निकाला करना ही पड़ा सर। पहले वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, पर उन्होंने ट्राई की सर ये चीज। ये बहुत वर्क करती है, और स्पेशली उनके लिए बहुत वर्क करती है जिनके चंद्र और शुक्र बहुत ज्यादा पिट गए हैं, और जिनके
ये प्लैनेट्स जो बताया मैंने अष्टम भाव और बारहवें भाव में हो तो ये बहुत एक्सट्रीमली वर्क करते हैं। हां जी, वृश्चिक राशि वालों को कहां जॉब करनी चाहिए? वृश्चिक राशि वाले घर से बाहर नहीं निकलते। अच्छा, वृश्चिक राशि वालों का तो कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती है ना वो शादी करके भी अपने गांव में ही रहती है कई बार। क्या बात है, उनकी शादी होती है तो आस पड़ोस में ही हो जाती है, मतलब उस टेरिटरी से बाहर नहीं निकलते, थोड़ी सी दूर। अगर बाहर हो जाए तो वापस वहीं आ जाती है क्या? ऐसा भी होता है। तो सर सिंह राशि कौन से नंबर पे है? सिंह राशि आपकी आ जाएगी, ये स्थिर राशि आ जाएगी, वो भी वापस ही आएंगी घर या घर के आसपास शादी होगी।